Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to share my first ever vlog. So recently I visited Islamabad and my friends and me decided to visit the Joyland. So we decided to move through the metro and metro ka safar karte karte hum log Joyland pahunche. लेकिन उससे पहले एज़ यू नो कि हमें निकलते निकलते 6:30 का टाइम हो चुका था, तो हमें बहुत सख्त भूख लगी थी, तो वो डिसाइडेड टू ईट KFC. तो हम KFC गए और KFC में हमें मेनू डिसाइड करते हुए काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था. फिर KFC में हम लोगों ने अपना जो भी ऑर्डर किया था वो खाया और वो खाने के बाद हम लोग Joyland पहुँचे. तो Joyland पहुँचने के बाद सब ने अपनी कुछ पिक्स वगैरह ली, फ्रेंड्स ने, फोटो सेशन हुआ. और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्योंकि हम लोगों को टाइम से वापस भी जाना था हॉस्टल. और फिर इसलिए हम लोग आगे गए और आगे जाके हम लोगों ने टिकट काउंटर पे जाके कुछ टिकट्स लिए. टिकट्स बाय करने के बाद हम लोग अंदर गए और Joyland में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन स्टिल मुझे इतनी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ एक बर्गर खाया था और मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी. लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं, शायद कुछ अंदर खाने को मिल जाए. उसके बाद हम Joyland गए और Joyland में अंदर जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा झूले देखे और हम लोग ने सोचा कि हम लोग पहले कौन सा झूला लिया जाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूलों की वैरायटी अवेलेबल थी, लेकिन सबके सब डेंजरस थे. तो मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी भी कि बहुत से झूले वहाँ पर अवेलेबल थे, आपको नज़र भी आ रहे होंगे. खुशी तो सबसे जो टफ था और जो सबसे डेंजरस मुझे लग रहा था वो डिस्कवरी लग रहा था, और डिस्कवरी मैंने पहले भी लिया हुआ है तो मुझे इसमें पहले इतना डर नहीं लगा था, लेकिन इस बार मुझे इतना डर लगा. तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से लिया जाए. Once more. तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कवरी लिया और डिस्कवरी में जाने के बाद हम लोगों को इतना डर लगा. लिटरली एक घंटे तक तो मुझे चक्कर ही आते रहे. और इसमें इतना खतरा होता है कि हम सिर्फ एक बेल्ट के सहारे पे होते हैं. मैं सोच रही थी अगर वो बेल्ट लूज़ हो जाए, टूट जाए, तो बंदा गया. तो मेरे मुताबिक तो ये झूला होना ही नहीं चाहिए. क्या बोला तूने? था इस तरह के डेंजरस झूले नहीं होने चाहिए क्योंकि खतरा होता है, बच्चे बैठते हैं अक्सर, जिद कर जाते हैं, तो ये उल्टा मूव करता है तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसमें. तो मुझे तो इसमें बैठने के बाद यही लग रहा था कि मैं बस गई, अभी मैं ख़त्म. मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल. तो लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब रुकने का इंतज़ार किया जाए. फिर ये लेने के बाद हम लोग आगे गए स्पेस स्क्वायर में और वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है वो जगह बनी हुई थी और बहुत प्यारी थी. वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाए, पिक्चर बनाई, कुछ गेम्स हमने खेली, मिरर मेज थी. उसके अलावा उधर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए गेम्स थी. वो बच्चों वाली गेम्स तो हम नहीं खेल सकते थे, लेकिन हमने लेज़र शीट खेली थी और मिरर मेज़ और 2-3 और गेम्स थी वो हम लोगों ने खेली. और उसके बाद हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, हम लोग तक 9 बज चुके थे, तो हमने सोचा कि अब हमें हॉस्टल वापस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमारे हॉस्टल तक का रास्ता 1 घंटे का बनता है. तो हम लोगों ने फिर कैब की और घर चले गए टाइम से. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट वीडियोज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.